एक सवाल और पूछ दूं, बुरा मत मानिए, मैं मेरठ आया तो कल से एक गाना गूंज रहा है, बहुत पुराना दोस्ताना फिल्म नहीं थी उसका एक गाना, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, यहाँ संगीत सोम के खेमे से यही गाना आ रहा है कि संजीव बालियान बेवफा हो गए, क्या है ये कड़वा सच, समझ में नहीं आता। दोनों की दोस्ती यहाँ एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर थी और माना जा रहा है कि अब एक दूसरे को देखते नहीं, सुहाते नहीं, ऐसा क्या है, पार्टी के अंदर रहते हुए ये गाना क्यों बज रहा है कि मेरा दोस्त बेवफा हो गया, बेवफा हो गया क्या? देखिए, मैंने अभी आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि खतौली क्यों हार गए, मैंने क्या कहा, मेरी कोई कमी थी इसलिए हार गए। तो हम सबको जब हम हारते हैं तो आत्मचिंतन करना चाहिए, ये सबसे आसान है कि मैं कह दूं जी 10 कारण थे जी, ये हो गया था जी, नंद किशोर ने कह दिया था, उसने वो कह दिया था, ये कारण दूसरे हैं। जीतता भी आदमी अपने तरीके से और हारता भी अपने तरीके से, तो आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर इतना ही कहूँगा। खुद को बहाने बनाने के लिए तो सारी दुनिया, खुद को देखना चाहिए कि मेरी वजह से क्या हुआ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, आपने कहा कि आत्मचिंतन करना चाहिए, जैसा कि खतौली में हार के बाद आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, वैसे ही मेरे दोस्त को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि सरधना में जो ये बैठे हुए अतुल प्रधान से जो आत्मचिंतन, यही संकेत दे रहे हैं ना, जनता सब समझती है, पत्रकार तो बिटवीन द लाइंस पढ़ ही लेता है जो आप क्या कहना चाहते हैं, और जनता भी समझदार हो गई है तभी तो सिखा देती है। क्यों, एक सवाल और भी है, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत ही हसमुख स्वभाव है आपका, और यही वजह है कि पार्टी आप पे भरोसा भी करती है, मानती भी है। बीजेपी के बड़े तमाम बड़े नेताओं से जब हम लोगों की बात होती है तो लोग कहते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा है जो संजीव बालियान का, जाटों में कम देखने को मिलता है, वो अक्खड़ चेहरा नहीं है बल्कि सॉफ्ट चेहरा है, सॉफ्ट जाट के रूप में संजीव बालियान। लेकिन एक सवाल आपके बाबा धीरेन्द्र सिंह पुंडीर की मूर्ति को लेकर है, वहाँ पर गाँव में आपके जाने पर बैन लगा दिया गया है कि संजीव बालियान उस गाँव में न घुसें, चूँकि स्थानीय मुद्दा है और आप जैसे सहृदय और सरल व्यक्ति से मैं इतना कठिन सवाल भी पूछ ले रहा हूं। देखिए, कल वहां पे परसों मूर्ति लगाई गई, कल जब मुझे पता लगा, जब प्रशासन उसको हटवाने के लिए वहां गया, तो मैंने मुजफ्फरनगर डीएम और कप्तान दोनों से बात की, दोनों की तरफ से आया, चूंकि वो सरकारी भूमि में है, मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से कि उन्होंने कहा कि वो सरकारी भूमि में, उसकी अनुमति के बिना वो नहीं लग सकती। मैंने लखनऊ भी बात की तो पता लगा कि भाई यही नियम है, और मैं चूंकि चाहता था कि वहीं लगे, लेकिन मैं रूलिंग पार्टी में हूँ, केंद्र में मंत्री हूँ, अगर मैं वहाँ जाता तो एक समस्या हो जाती मेरी सरकार के लिए, कम से कम मैं मेरे मुख्यमंत्री और मेरी सरकार को संकट में डाल जाता। किसी ने दो बात कही, स्वीकार है, उन्होंने तो बनाया है, वही गांव जिस गांव का आप जिक्र करते हैं, 100% 100% वोट मुझे देता है, 90% पोलिंग करता है, तो अगर उन्हें किसी बात से इस बात से नाराजगी, आज नहीं तो कल वे मेरी मजबूरी समझेंगे कि जब मेरा लखनऊ से आदेश मिला कि आप नहीं जाएंगे और ये मूर्ति उसी तरह से लगेगी अनुमति के, वही मैंने अपनी भावनाएं उन्हें व्यक्त की, शायद जो एक सत्ता में रहते हुए कुछ मजबूरियां होती हैं, तो वे मेरे भाई हैं छोटे, मैं मेरी मजबूरी को समझेंगे, और वो गाँव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का और आगे भी रहेगा। मुझे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।